मैं एक्चुअली वहाँ से सामान भिजवा रहा था और वो कुछ कश्तियाँ वगैरह और चीज़ें मिल रही थी, मैं भिजवा के फिर मैं आया हूँ। हम लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई केम आउट ऑफ माय हाउस व्हेन यू वर टेकन बाय द हेयरटो से किधर गया। कैंप के अंदर ना जाएं यार, अंदर ना, अंदर तो सामान रखेंगे। बहुत ही खुशियों से आ रही है। मैं सुबह 4 बजे से खड़ा हूँ आपको देखने के लिए। मैं सर सामान लेने सामान भिजवाने के लिए रुक गया था। आप जो कर रहे हैं ये चंद और आप इस धरती के सबूत हैं और आपने ये साबित किया कि जिस तरह आप खड़े हैं और डट के खड़े हैं और इस तरह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी दे और अपनी ज़ुबान में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला शाह, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। ये मेरे साथ अभी वो करना समी है, वो भी आप मिलने के लिए आए। मिलने तुम्हें सबसे मिलने क्या? तो ये हमारी इसमें डालिए, इसमें डालिए, ये डलवाते हैं बच्चे। मैं एक आपसे फोटो बनवाना चाहता हूँ। जी श्योर, आप ये पीछे भाई को दें, ये बनाएंगे, मैं आपके करीब हो जाता हूँ। यार इधर से आप बना दें, इधर से आप दूर चले जाएं, आप ऐसे मैं करीब आ जाता हूँ आपके। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। इसमें इसमें कैमरे में देखिए, कैमरे में देखिए, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। डोनर था सिर्फ, थैंक यू, खैरियत से जाइएगा। अभी मेरे ख्याल में जो हम लोग हम आप सबसे बात करेंगे, हम आप सब लोगों से बात करेंगे, एक पैगाम दे दें थोड़ा सा लोगों को आने दीजिए। हम यहाँ पे हाजिर हैं इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में, और आप सबसे गुजारिश है कि हम वतनों की मदद के लिए आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आज भी रात गए तक यहाँ पे हूँ, इंशाल्लाह 1-2 बजे तक यहाँ बैठेंगे और कल भी इंशाल्लाह रात को हम यहीं पे आप लोगों के पास। थैंक यू वेरी मच। काफी देर से आप अपना नंबर अभी लिखवा दें, ये आपका जाके अपना, अच्छा आप अपना नंबर बता दें, उम्र को और उम्र चेक करवा। इमरान भाई काफ़ी देर से लोग आपके इंतजार में, आपसे मोहब्बत करते हैं, क्या उनके लिए पैगाम देना चाहेंगे? सर हमारी गुजारिश है सबसे कि अपने हमवतनों की मदद करें। हम लोग ये जो अभी ड्राइव चला रहे हैं और जो हम सामान भेज रहे हैं वो दादू के लिए है, इसके बाद हम बलूचिस्तान भी जा रहे हैं और बाकी एरियाज में भी। सिंध में बहुत बुरी सूरत हाल है, तो आप सबसे गुजारिश है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाले बहुत दिनों से कह रहे थे कि आप लोग यहाँ पे कैंप लगाएं, तो सदीक भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इसको इनिशिएट किया और फिर हमें यहाँ पे मौका दिया, अब हम यहाँ पे आ गए। और इंशाल्लाह आज का दिन और कल का दिन मैं खुद यहाँ पे ड्यूटी दूंगा और परसों हम लोग दादू चले जाएंगे। सामान हमने रवाना करना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि सिंध में जो आप बता रहे हैं सूरतेहाल काफ़ी ख़राब है, तो इसमें सिंध की हुकूमत क्या ऐसा किरदार है? हुकूमत नहीं है वहाँ पर। इमरान भाई लोग बताया जा रहा है कि वो प्रोफेशनल बैगर्स आ गए, उनके लिए आपने क्या हल निकाला? नहीं नहीं, वो ये सिर्फ आपको सड़कों पे थोड़े बहुत लोग नज़र आते हैं और वो भी इक्का दुक्का, एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और वो बैगर्स नहीं है वहाँ पे ज़्यादा लोग। जो ज़्यादा लोग आपको शुरू में शहरों में मिलते हैं ना वो बैगर्स हो सकते हैं, लेकिन जब आप सैलाबदा इलाकों में पहुँचते हैं वहाँ बैगर्स नहीं जा सकते, वहाँ तो खाने के लिए कुछ नहीं है। चलिए किसने भेजी? अल्लाह का ये डालो बच्चे इसके अंदर। सॉरी यार इसकी चाबी रेंज को मालूम है।
थैंक यू। अच्छा पता क्या, यहाँ से यहाँ से आप लोग ना हाँ मैं ठीक ठाक है। सर मैं उनका बेटा सर, थैंक यू वेरी मच जी। शोर जी शोर जी, आगे जाते जाएंगे आप लोग आगे। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम, जिंदाबाद, अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे। आगे क्यों जाना चाहती है बताएं? मैंने पहले 5000 डाले हैं, पहले 5000 डाले हैं किसके लिए? सैलाब सदमान के लिए। इस बंदे को क्यों देना चाहती हैं? बाकी लोग भी तो दे रहे हैं ना, हैं? इन पर भरोसा, इन पर भरोसा है, बाकियों पे भरोसा नहीं है? बताएं ना, बताएं बताएं, बाकियों पे भरोसा नहीं है आपको? लेकिन इन पे ज़्यादा भरोसा है। आप यहाँ से ना रास्ता दे भैया, भैया होगा थोड़ा सा जी, मैं यहाँ से थोड़ा आगे नहीं आ सकते, हम इसमें फंस गए, एक चीज में से निकलते हैं दूसरी में फंस जाते हैं। Yes, yes, yes.